हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि हम लोग बिल्कुल रेडी हैं और रेडी होके कहीं जा रहे हैं। तो गाइस, हम लोग रेडी होके आज घर से निकले हैं और वहाँ पे पीछे मम्मी हैं, मम्मी भी आ रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं आज मंदिर, जो मंदिर है हमारे यहाँ पर, मतलब हमारे यहाँ पर तो क्या, यहाँ से काफ़ी दूर है, आई थिंक 40 कुछ किलोमीटर होगा। तो आज हमारा प्लानिंग बना है कि हम सब लोग महिला मंडल की तरफ से मंदिर का टूर बना रहे हैं, तो और हम सब मिलकर वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि साल में एक बार ऐसा होता है कि हम लोग काम के साथ एक दिन घूमने का प्लान भी बनाते हैं। तो पहले तो मेरा प्लान नहीं था क्योंकि बच्चों के हैं एग्ज़ाम्स, तो लेकिन फिर बाद में राशि ने कर लिया, अनुभव का शाम को है, उनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो गई है, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। आज हम जिसमें जा रहे हैं ना, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मतलब बस में बहुत बार सफ़र किया है, कार में तो ऑब्वियस किया ही है, लेकिन आज जिसमें हम जा रहे हैं ना, मैं खुद ही थोड़ी सी शॉक हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है उसमें जाने का। लेकिन जितनी भी जो महिलाएं हैं, उन लोगों का सबका ये प्लान था कि इसी गाड़ी में जाएंगे सब लोग ग्रुप में भजन कीर्तन करते हुए, तो थोड़ा सा मुझे तो लग रहा है, बट ये कि चलो शायद आई होप सब लोगों के साथ मज़ा ही आएगा, क्योंकि और जो लेडीज़ हैं वो पहले भी गई हैं, और बट मेरा फर्स्ट टाइम है, तो आई थिंक अच्छा लगेगा। तो गाइज, हम लोग जा रहे हैं इसमें, इस यूटिलिटी में जा रहे हैं एक्चुअली। ये देखिए, आप पता नहीं किसमें कैसे बैठेंगे और कैसे रहेंगे, बस देखते हैं। अब लाइफ में हर चीज़ का एक्सपीरियंस करना चाहिए, और आज मैं इसका एक्सपीरियंस भी कर रही हूँ, आई होप अच्छा लगेगा, और भजन कीर्तन करते हुए हम लोग जाएंगे। अरे आजो, आगे बसो, आजो। मोती जे माता दी, मोती जी पानू लग जाने ताले, जेड़ा मैया दा नाम नहीं जपदा। अब सब नहीं जाएगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। व्यू तो बहुत अच्छा है, पर पानी नहीं है। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, 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 जय बोलो, जय माता दी, फिर के बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बरसा Thank you.
सो जय माता दी फ्रेंड्स। तो हम आए हैं आज तिलकपुर माता जी के मंदिर में। तो ये जो तिलकपुर माता का मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में शहर है नाहन। नाहन से लगभग 23 से 24 किलोमीटर दूर ये मंदिर पड़ता है और ये बाला सुंदरी माता जी का मंदिर है। तो यहाँ पर आज हम लोग मथा टेकने के लिए आए हैं सब लोग लेडीज मिलकर। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ले लिया है और यहाँ पे है आंटी हमारे साथ। आंटी कैसा लग रहा है आपको? आज हम सब मिलकर आए हैं महिलाएं मंदिर में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी बहाने कम से कम माता के दर्शन करने हम लोग आ गए। तो बने रहिए ब्लॉग में और देखिए माता के दर्शन करिए हमारे साथ साथ। फ्रेंड्स ये है मंदिर और जब यहाँ पे नवरात्र का टाइम होता है, वैसे तो अभी भी काफ़ी रश है, हमें जल्दी से मथा टेकना नहीं मिला, बस फटाफट से हम आए अंदर दर्शन किए और आ गए। और यहाँ पे देखिए जब नवरात्र के दिन होते हैं तो कितना ज़्यादा रश होता है। ये जितनी भी जो रेलिंग्स लगाई है ये वाला एरिया पूरा भरा होता है जब सीज़न होता है नवरात्र का, उस टाइम पर ये पूरा भरा होता है। ये देखिए यहाँ से होते हुए वो वहाँ पर, और ये है वो पीपल का पेड़। सो फ्रेंड्स ये जो जगह आप देख रहे हो यहाँ पे लोग अपनी जो इच्छाएं हैं वो लिखते हैं और माता रानी उनकी सारी इच्छाएं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। जय माता दी। हाँ से आओ आओ जल्दी आओ, नहीं नहीं इधर को आओ वापस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको जो इतिहास के बारे में बता रही थी, तो देखिए यहाँ पर पूरा ये इतिहास जो है इस मंदिर का यहाँ पर बताया गया है। तो चित्रों के माध्यम से और जो उसकी कहानी बनती है वो कहानी पूरी यहाँ पर लिखी है, लिखित रूप में भी है, और जो चित्र हैं वो भी पूरे बनाए गए हैं चित्रकार द्वारा। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो स्टोरी है पूरी कहानी बताई गई है, मतलब एक छोटे से माध्यम से जिसको शॉर्ट प्ले में कह सकते हैं हम, शॉर्ट प्ले में ये स्टोरी बताई गई है कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये सारा ये बताया गया है। तो मैं अपनी जो मेरा व्लॉग है उसके माध्यम से आप लोगों को बता रही हूँ, आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा।
तो माता रानी यही प्रार्थना है कि सबकी रक्षा करना, सबको सद्बुद्धि देना, सबको बहुत सारी खुशियाँ और सबको बहुत सारा शांति देना, सद्बुद्धि देना, खुशियाँ देना और साथ में मुझे भी बहुत सारी खुशी देना, मेरी फैमिली को बिल्कुल सही सलामत रखना। तो फ्रेंड्स, ये है माता रानी का भंडारा। तो देखिए, ये है भंडारा, ये है कड़ी, ये छोले, चावल, हलवा और पूरी। तो ये माता रानी का भंडारा है, माता रानी का प्रसाद है। आइए, आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, यहाँ पर एक ये शिव जी का मंदिर है और यहाँ पे ये देखिए तालाब है चारों तरफ, और सामने वो देखिए सिरमौर संस्कृति संग्रहालय। यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा है क्योंकि ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ, सिरमौर संस्कृति संग्रहालय। तो यहाँ पे ये म्यूज़ियम है, ये देखिए यहाँ का जो व्यू है वो कितना प्यारा है और कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, हम लोग अभी अभी घर पहुँचे हैं और टाइम हो रहा है इस वक्त 4:30 का, क्योंकि मुझे इस टाइम तक घर पहुँचना ही था, क्योंकि आनू अब की जो एग्ज़ाम है वो है 5 बजे, इनका शाम को एग्ज़ाम होता है, तो 5 बजे आनू अब का एग्ज़ाम है और राशि का सुबह हो गया था, तो इसलिए हम बिल्कुल ठीक टाइम में पहुँचे हैं। बस अब एग्ज़ाम की तैयारी करानी है, एग्ज़ाम आज इनका है कन्वर्सेशन का, तो बस ईजी है वो, तो ओरली होता है। आप लोगों ने आज देखा कि मैंने आपको हमारी यहाँ की जो माता रानी है उनका दर्शन करवाया, मैं खुद भी दर्शन करने गई और मैंने आप लोगों को भी दर्शन कराया। तो हम लोगों का तो ये है कि फैमिली में जाते रहते हैं, वहाँ पे जो बाला सुंदरी माता है उनको बहुत मानते हैं, और मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपने थ्रू आप लोगों को भी मिलवा दूँ। मैं तो ज़रूर बताइएगी कि आप लोग को आज माता रानी से मिलकर कैसा लगा। तो कैसा लगा आप लोगों को? क्या है ये? ऐसे दिखाओ, कान में नहीं बजाना, बस कान में हो गया। तो आप उन्हें बजा से लिया, अपने लिए आज वहां से। तो अगर आप लोग को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो तब तक लिए बाय बाय, मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो नए हैं तो दोस्तों, आप लोग जो नए होते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। हूँ नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।